बंगाल के चुनावी जंग में दिलचस्प मुकाबला है। राजनीति के अखाड़े में बाहरी बनाम बंगाली अस्मिता के दांव पेच आजमाए जा रहे हैं। बंगाल की चुनावी लड़ाई किस तरह की होने वाली है, इसका अंदाजा आप इन दो तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। वही बाउल कलाकार, वही बाउल लोकगीत, वही इकतारा, वही सुर, वही धुन, लेकिन तारीख दो है, मंच दो, नेता दो और कहानी भी दो तरह की है। ये कहानी है इस बार के बंगाल चुनाव में बांग्ला अस्मिता की। मुद्दों पर वार और मुकाबले में लाचार टीएमसी ने बदलाव मांगते बंगाल में बाहरी बनाम बंगाली की जो तान छिड़ी है, उसी की कड़ी में बांग्ला अस्मिता पर दावेदारी की जंग संगीन होती जा रही है। ममता बनर्जी बंगाल की हैं और बंगाल सिर्फ ममता बनर्जी का। इस बार के चुनाव में टीएमसी ने यही दांव चुना है और उससे मुकाबले के लिए बीजेपी ने भी कड़ी टक्कर देने की रणनीति आजमा ली है। स्वामी विवेकानंद से लेकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर तक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर और महर्षि अरविंद तक, कालीबाड़ी से शांति निकेतन तक और मतुआ आदिवासियों से लेकर बाउल कलाकारों तक, बंगाल बांग्ला और बांग्ला अस्मिता पर दावे की लड़ाई में बीजेपी ने आक्रामक रणनीति के तहत एक्शन शुरू कर दिया है। बंगाल की धरती पर एक से बढ़कर एक महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने समाज को एक अलग राह दिखाई। उन्हीं में से एक हैं स्वामी विवेकानंद। इस वक्त मेरे ठीक पीछे आप ये स्वामी विवेकानंद की मूर्ति देख रहे हैं, ये उनका जन्म स्थान है, यहीं पर स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। और इस बार के पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में लगातार, चाहे वो टीएमसी हो या भारतीय जनता पार्टी, जो पश्चिम बंगाल के बड़े महापुरुष रहे हैं उनका जिक्र किया जा रहा है, और बीजेपी और आरएसएस तो लगातार स्वामी विवेकानंद के नाम का जिक्र करती है, उनके बताए गए रास्ते पर चलने का दावा करती है। तो इस बार एक लड़ाई ये भी देखी जा रही है कि दोनों ही पार्टियाँ जो बंगाल के बड़े महापुरुष हैं उनकी लेगेसी को क्लेम करने के लिए आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता, अगर वो बंगाल की धरती पर आते हैं तो वेल्लूर मठ जाते हैं, स्वामी विवेकानंद के जन्म स्थान पर आते हैं। चुनावी सियासत में बीजेपी का यह दांव भले ही बंगाली अस्मिता से बीजेपी के रिश्ते दिखाने की कोशिश हो, लेकिन अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी तक अगर बेलूर मठ के दौरे पर जाते हैं या कालीबाड़ी जाते हैं या फिर स्वामी विवेकानंद के जन्म स्थल पर जाते हैं, तो उसका असर पूरे बंगाल के पढ़े लिखे वर्ग पर होता है। और इस असर को कम करने के लिए ममता सरकार रामकृष्ण मिशन के लिए बनाए जा रहे विवेक तीर्थ नाम के प्रोजेक्ट को जोर शोर से शुरू कर देती है। 160 करोड़ रुपए की लागत से 5 साल पहले शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट अब तक पूरा नहीं हो सका था। जब अमित शाह शांति निकेतन के दौरे पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि देते हैं, जब अमित शाह विश्व भारती की इमारत से संजोकर रखी गई गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्य स्मृतियों को निहारते हैं, जब अमित शाह चुनावी दौरे के बावजूद भी शांति निकेतन में रविंद्र संगीत का आनंद लेते दिखाई देते हैं, तब ये तस्वीरें भी बंगाली अस्मिता से बीजेपी के रिश्ते जताती दिखती हैं। बंगाल की चुनावी पिच और टीएमसी की गेंद पर बीजेपी की ये बैटिंग ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को विचलित करती है। असर ये होता है कि बीजेपी के कार्यक्रम के चंद दिनों बाद ही ममता बनर्जी अपने हाथों में गुरुदेव की तस्वीर लेकर खुद को बांग्ला अस्मिता की असली हकदार जताने की कोशिश करती नजर आती हैं।
23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती है। इस मौके पर भारत सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। और जानकारी ये मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को पश्चिम बंगाल आ सकते हैं। दिल्ली और कोलकाता दो ऐसी जगहें हैं जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और प्रधानमंत्री उस दिन बंगाल की धरती पर होंगे। इस बार के विधानसभा चुनाव में बार बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र होगा और भारत सरकार ने पहले ही इनसे जुड़ी हुई कई जो ऐसी फाइलें हैं उनको डीक्लासीफाई किया है। तो एक तरीके से सरकार इस बार के विधानसभा चुनाव में और पॉलिटिकल पार्टियां जितने भी बंगाल के महापुरुष हैं और उनमें से एक हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के बाद एक बड़ी भूमिका निभाई थी, उनकी लेगेसी को क्लेम करने की जो पूरी योजना बनाई जा रही है, बंगाल से अपने आप को जुड़ाव दिखाने के प्रयास किए जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा, तो एक प्रयास बीजेपी का ये भी होगा कि वो ये दिखाना चाहती है कि बंगाल के जितने भी महापुरुष हैं वो उनका आदर करती है, सम्मान करती है। दरअसल पश्चिम बंगाल की शहरी आबादी और पढ़े लिखे वोटर्स के बीच बंगाली महापुरुषों से कनेक्ट दिखाकर बीजेपी ममता बनर्जी के आरोपों को खारिज करती दिखती है, क्योंकि ममता बनर्जी वोटर्स से बीजेपी को सिर्फ इसलिए नकारने की अपील करती हैं कि बीजेपी बंगाल की पार्टी नहीं है। तो एक सोच बंगाली के अंदर है कि नेताजी सुभाष बोस या इस तरह की बंगालियों को कांग्रेस की राज में पूरी तरह से किनारे कर दिया गया है, अब इसको जगाना जरूरी है। तो अब बीजेपी को भी लगने लगा कि ये जो इशू है, इस इशू को एड्रेस करना काफ़ी ज़रूरी है, और इसीलिए इन लोग दक्षिणेश्वर जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, होम मिनिस्टर भी गए थे। अब अगर 23 तारीख को प्राइम मिनिस्टर नेताजी सुभाष बोस के ऊपर कोई बड़ा ऐलान करते हैं तो उसका सीधा असर राजनीति के ऊपर पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बंगाल की चुनावी लड़ाई में वोट बैंक की सियासत के इन दाव पेचों को खूब अंदाजा बीजेपी को है। यही वजह है कि बीजेपी खुद को बांग्ला संस्कृति और अस्मिता से जोड़ने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस जैसी रीजनल पार्टी से मुकाबले में बीजेपी को भी हर बारीक फॉर्मूले पर गौर करना पड़ रहा है। मसलन एक तरफ बीजेपी पश्चिम बंगाल के गौरव पुरुषों के सम्मान में शहरी वोट बैंक को कनेक्ट कर रही है, तो दूसरी ओर ग्रामीण और पिछले इलाकों में वोट बैंक साधने के लिए किसानों और पिछड़ों के घर भोजन से लेकर लोक कलाकारों के भजन तक सुनते दिखाई पड़ रहे हैं। बीजेपी की इन कोशिशों के नतीजों का अंदाजा ममता बनर्जी को भी खूब है। शायद यही वजह है कि बीरभूम दौरे पर अमित शाह जिस बाउल लोक कलाकार के घर पर बाउल गीत का आनंद उठा रहे थे, उन्हीं बाउल कलाकार वासुदेव दास बाउल को ममता बनर्जी ने अपने मंच पर खड़ा कर वहीं लोक गीत गाने को कहा, जिसका आनंद अमित शाह उठा चुके थे। इतना ही नहीं, ममता के मंच पर वासुदेव दास ने गीत की लाइनों में बदलाव करके दीदी का नाम भी जोड़ा था और खुश होकर ममता बनर्जी ने अपने गले की शॉल उतारकर वासुदेव दास को सम्मानित कर दिया था। दरअसल ममता बनर्जी और टीएमसी हर वो कोशिश कर रही है जिससे खुद को बांग्ला सभ्यता संस्कृति और वोट का असली हकदार साबित कर सके। संगीत सम्मान प्रदान करते पेरे आमरा आनंदित। शहरी इलाका में जो इसका प्रभाव है, जहाँ पे इन लोगों के बारे में लोग जानते हैं, गांव में कौन विवेकानंद है, कौन रविंद्रनाथ है, इसके कोई मतलब नहीं है। तो शहर की वोट या लोगों को लुभाने के लिए अब बीजेपी को भी एक काउंटर स्ट्रेटेजी करना जरूरी हो गया है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बांग्ला अस्मिता का असली बारिश साबित करने की कोशिश में ममता बनर्जी और टीएमसी कुछ इस कदर परेशान हैं कि पूरे राज्य में बीजेपी जहां जहां इस तरह के कार्यक्रम करती है, ठीक उसी जगह पर ममता बनर्जी और टीएमसी नेता भी कार्यक्रम करते नजर आते हैं। मसलन 20 दिसंबर को अमित शाह ने बोलपुर में कार्यक्रम किया, 29 दिसंबर को ममता बनर्जी ने बोलपुर में रोड शो किया, 24 दिसंबर को पीएम मोदी विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में वर्चुअल रूप से शामिल हुए। एक दिन पहले 23 दिसंबर को ही
ममता बनर्जी मंच पर सांस्कृतिक नृत्य के साथ कदम ताल करती दिख गई। 21 नवंबर को ईस्ट मेदिनीपुर में बीजेपी की रैली हुई। 7 दिसंबर को ममता बनर्जी ने वेस्ट मेदिनीपुर में रैली कर दी। पिछले साल 7 अप्रैल को कूचबिहार के रासमेला मैदान में पीएम मोदी ने रैली की थी। 8 अप्रैल को उसी मैदान में ममता बनर्जी ने भी रैली की। 11 अप्रैल को दार्जिलिंग में अमित शाह ने रैली की। 13 अप्रैल को ममता बनर्जी ने भी रैली की। और चुनावी बंगाल में बीजेपी के पीछे टीएमसी की सियासी दौड़ सिर्फ इसलिए है ताकि बीजेपी को बाहरी बनाम बंगाल के दांव से आगे नहीं निकलने दिया जाए। बंगाल के चुनावी जंग में बंगाली अस्मिता के मुकाबले का ही असर है कि ममता बनर्जी को कांटे की टक्कर दे रही बीजेपी ने अब बंगाल के लिए अपने चेहरे की तलाश तेज कर दी है। और चर्चा जोरों पर है कि बीजेपी की सुई बंगाल गौरव सौरभ गांगुली पर टिक गई है। इन अटकलों के पीछे कुछ है या सिर्फ सियासी बयानबाजी है? देखिए, जिनके नाम चर्चा हो रही है वो खेल जगत के मुख्य व्यक्ति हैं और देश को नेतृत्व किया है, क्रिकेट में सम्मान भी बहुत लाए हैं। आज उसी के आधार पर लोगों ने उनको क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया है, बहुत खुशी की बात है, अच्छा नेता है। हाँ, ऐसे सफल व्यक्ति अगर कोई भाजपा राजनीति में आना चाहता है, भाजपा में आना चाहते हैं, अच्छी बात है, हम उसको स्वागत करेंगे। सफल लोगों को राजनीति में आना चाहिए। राजनीति में जो पतन आई है, लोग उससे हताश है, अच्छे लोग आएंगे तो उसका भी उत्थान होगा। दादा, आप संकेत दे रहे हैं कि सफल लोग आएंगे तो स्वागत करेंगे, तो दादा का भी स्वागत होगा? किसी का भी, ऐसे बहुत लोग समाज में हैं, इसलिए अच्छे प्रभावी लोग, सफल लोग आएंगे तो राजनीति का भी परिष्कार होगा और विकास भी होगा, लोगों का भरोसा बढ़ेगा। सौरभ गांगुली अगर बीजेपी के चेहरे बनते हैं तो ममता बनर्जी के लिए कितना बड़ा चैलेंज बढ़ जाएगा, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। 2 जनवरी को सौरभ गांगुली की तबीयत खराब हुई थी। कोलकाता में ही सौरभ गांगुली की एंजियोप्लास्टी हुई और वो ठीक भी हैं। लेकिन सौरभ की तबीयत खराब होने की खबर सुनते ही ममता बनर्जी अस्पताल पहुंच गई। काफी देर तक अस्पताल में रही। बावजूद इसके कि पूरे देश में सौरभ के बीजेपी में जाने की चर्चा जोर पर है, बावजूद इसके कि सौरभ गांगुली बंगाल के गवर्नर के साथ मिलजुल रहे हैं, सौरभ गांगुली अमित शाह के साथ कई कार्यक्रमों में भी मंच शेयर कर रहे हैं। हालांकि दलील ये भी दी जा रही है कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक और हरियाणा से लेकर उत्तराखंड तक बगैर सीएम चेहरे के ही चुनाव लड़ा था। वहां का इतिहास और बंगाल का इतिहास कुछ अलग है, तो ये जरूरी है कि एक चेहरा सामने खड़ा करे। इसीलिए सौरभ गांगुली के पीछे, चाहे सौरभ गांगुली जितना मना करे, ये कोशिश तो जारी है चारों तरफ से कि चुनाव के पहले सौरभ गांगुली को मैदान में उतारा जाए। खासतौर से शहरी इलाका में सौरभ गांगुली एक फैक्टर बन जाएंगे। हालांकि अभी तक ये औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है कि सौरभ गांगुली बीजेपी का चेहरा होंगे या नहीं, लेकिन राजनीतिक संकेतों को ध्यान में रखते हुए हमने कोलकाता के लोगों के बीच ये जानने की कोशिश की कि अगर ममता बनर्जी के मुकाबले सौरभ गांगुली चुनावी मैदान में होंगे तो मुकाबला कैसा होगा। अगर दादा चुनावी मैदान में उतरते हैं तो दादा वर्सेस दीदी का जो ये फाइट होगा वो कितना कड़ा मुकाबला होगा और कितना टफ मुकाबला होगा? दादा माना जा रहा है कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, यहाँ के लोगों से हम बात करते हैं, ये यहाँ के दुकानदारों से बात करते हैं, दादा को पसंद करते हैं अगर चुनाव में आते हैं? दादा को सभी पसंद करेगा, मगर पॉलिटिक्स में कितना पसंद करेगा वो तो बात का बात है ना। दीदी और दादा में कौन आगे निकलेगा? दादा। दादा आगे निकलेंगे। दादा आएंगे तो आप लोग सपोर्ट करेंगे? दादा तो क्रिकेट में मैदान में ठीक है, किंतु राजनीति आएंगे तो क्या काम करेगा, क्या करेगा, हम लोग का क्या ये है? नहीं मालूम। नहीं मालूम। दादा या दीदी, आप लोग किसको पसंद करेंगे? दादा को ही पसंद करना चाहिए अभी। दादा ही ठीक है, रहेगा, परिवर्तन होना चाहिए ना। दीदी और दादा का जब टक्कर होगा तो कौन बाजी मारेगा, कौन आगे निकलेगा? हमको तो लग रहा सौरभ गांगुली आगे, दादा ही। आप लोग पसंद करेंगे सौरभ गांगुली? जरूर, क्या नहीं करें, जब उसको पसंद करे इसको नहीं का क्या बात है। दादा का जाएगा दादा रहेगा, और दीदी का जाएगा दीदी रहेगा। दादा जो क्रिकेट में राजनीति में आएगा तो वो हम लोग नहीं करेगा, दीदी दीदी रहेगा ही। दादा आएगा तो सबसे बेटर है। कोलकाता में खेल के मैदान से लेकर सड़क गलियों और बाजारों तक, आम लोगों से लेकर कलाकारों तक,
हर वर्ग के वोटर्स के बीच रायशुमारी से ये पता चलता है कि बीजेपी अगर दादा को चेहरा बनाती है तो दीदी के लिए चुनावी चुनौती बढ़ जाएगी। जमीन से जुड़े मुद्दों की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है। किसानों की आय की बात की जाए तो राष्ट्रीय औसत की आधी है। बेरोजगारी की बात की जाए तो बेरोजगारी की दर 11% है, जो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। और शायद अब बीजेपी ने ममता बनर्जी की ओर से सेट किए गए बंगाली और बाहरी के चुनावी एजेंडे से अलग जनता को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर सियासी हमले की शुरुआत की है। पश्चिम बंगाल बीजेपी की ओर से जारी किए गए इस चुनावी गाने में ममता सरकार की नाकामियों का जिक्र किया है। चाहे वो पश्चिम बंगाल में करप्शन का मुद्दा हो या भतीजावाद का मुद्दा हो, बीजेपी ममता सरकार पर सवाल उठा रही है। 10 बछरे भ्रष्टामियों को बोड़े गालो, तोलाबाजी सिंडिकेटे शादा मिटलो दाई। इस चुनाव में बीजेपी अम्फान तूफान से लेकर कोरोना काल तक ममता की नाकामियों का गीत गा रही है। शारोदा नारोदा रेशन दुर्नीति कांडो, अम्फान केलेंकारी काठमांडी बरातो, सिंडिकेट भाई को पूरी परतंत्र जुबोराज। अब देखना होगा कि बीजेपी के इस म्यूजिकल अटैक का मुकाबला ममता बनर्जी अपने 10 साल के कामकाज की फेहरिस्त पेश करके देती है या फिर मुद्दों के मंच पर भी बाहरी बनाम बंगाल की रट लगाए रहती है। संवाददाता विद्याना झा के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, कोलकाता।